कि देखो आप महिला हो, आपस में बैठ के बात कर लो और सॉरी बोल दो एक दूसरे को। चलो अगर मालूम मैं बोली वकील से गलती भी हुई होगी तो चलो हम मान सकते हैं, चलो हमारे वकील साहब से हम सॉरी बोलवा दें, लेकिन इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। अधिवक्ता संघ दुर्ग जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता संघ दुर्ग जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप कैमरा लाकर तुरंत देख ली, सब दिख जाएगा। डॉक्टर होकर बहस कर रहे हैं यहाँ पर, उसको समझ में नहीं आ रहा कोई गाड़ियाँ पीछे गाड़ी। बना रहे हो वीडियो, बनाओ फोन तो देखो।
मेरा भाई वीडियो चाहिए। शांति रख बोलो ना, शांति रख, शांति। मामला इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए। यह कंप्लेंट देखिए कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद था, विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले FIR करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके बेसिस पर रिजल्ट। आचार संहिता लगी हुई है, उस पर चक्का जाम है? नहीं, आचार संहिता लगी हुई है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया है। तीन घंटे नहीं हुआ, तीन घंटे नहीं। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवाद का अचिन सिंह, उसमें अधिवक्ता वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मन मुटाव है दो भाइयों के बीच में। तो वो एक तो बोलता है नहीं नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है रे बोलने वाला इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी, हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है और CCTV कैमरे में सारी चीज़ें आई है। लेकिन CCTV कैमरा चूँकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फिलहाल, लेकिन हकीकत ये बात आई थी। हमने कहा कि सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके। हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है, आपस में सॉरी बोल के ख़त्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है लेकिन वो महिला बोलती नहीं नहीं मैं नहीं झुकूंगी, मतलब इतने हद पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये तोहफा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं अब तो इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है तो अब FIR होना चाहिए। तब हम लोगों ने आप एक महिला है इसलिए मैंने महिला होने के नाते उसे समझाया कि देखो आप महिला हो आपस में बैठ के बात कर लो और सॉरी बोल दो एक दूसरे को। चलो अगर मान लो मैं बोल रही वकील से गलती भी हुई होगी तो चलो हम मानते हैं यार, चलो हमारे वकील साहब से हम सॉरी बोलवा दें। लेकिन इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को दूर तैराक से बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करूँ तो प्रशासन एक सप्ताह का समय बोल रहा था, हमने कहा एक सप्ताह नहीं, क्योंकि संघीय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए। और वही मांग थी और वो मांग हमारी आज पूरी। चप्पल की बात सामने ही ऐसा कुछ है क्या? चप्पल की बात बताएं ना हमने कि चप्पल मारी है जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने, आप देख सकते हैं उसमें उनके शर्ट में चप्पल का निशान भी है। उन्होंने इसीलिए एडवोकेट को आए भी इन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिस प्रकार से
मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है आचार संहिता के बाद हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करेंगे, क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने मांग किया है।